वेलकम बैक टू माय चैनल अनु सिंह। सो टाइटल देखिए आप समझ के होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन के कुछ डेकोर आइटम्स जो मैंने रिसेंटली अमेज़न से परचेज किए। तो मैं अपने किचन का मेकओवर कर रही हूँ, लाइक मेकओवर नॉट मेजर मेकओवर, बट थोड़े बहुत चेंजेस कर रही हूँ जिससे मेरा किचन थोड़ा अच्छा लगे, मुझे काम करने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। जब से हम लोग ये शिफ्ट हुए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तब मैंने किचन का कुछ भी मेकओवर नहीं किया था। सो मैंने सोचा क्यों ना किचन मेकओवर किया जाए, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैंने किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत शॉपिंग की अमेजोन से, बिकॉज मैं एक साथ सब चीज़ें नहीं करना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग करके उसको ऑर्गेनाइज करूँगी। फिर जिस चीज़ की मुझे नीड होगी मैं उसके अकॉर्डिंग और शॉपिंग करूँगी। बिकॉज क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम ले आते हैं, बट फिर बाद में लगता है यार नहीं ये एक्स्ट्रा हो गई, फिर कई बार रिटर्न टाइम चला जाता है। अभी भी इन सब चीज़ों को मुझे ऑर्डर किया ऑलमोस्ट 10 to 15 days हो गए हैं और ये ऐसी कार्टन्स के अंदर ही पड़ी हैं, मैंने इनको अभी तक ओपन भी नहीं किया है, बस आया देखा हाँ कि आ गया है। तो बस अभी मुझे मेकओवर स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले मैं आपके साथ हॉल शेयर कर देती हूँ, देन आगे मेकओवर वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो यार विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज इसको लाइक कर दे। सो यार गाइस विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट किचन प्रोडक्ट विच इज दिस सोप डिस्पेंसर एंड अ सोप होल्डर। तो इस तरह का ये लिक्विड सोप डिस्पेंसर, जो लिक्विड डिश वॉश होता है उसके उसको आप इसके अंदर डाल सकते हो, और इसको ऐसे बंद करने के बाद ऊपर से इस तरह से ये बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा स्पॉन्ज और ये स्क्रबर भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको हल्का सा इसे प्रेस करना है। जब आप प्रेस करोगे ना तो ये आप एक के ये पंप के थ्रू ये जो लिक्विड सोप है ऊपर आ जाएगा और आपके स्पॉन्ज के ऊपर लग जाएगा। सो उससे बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होगा, मुझे अच्छा लगा, बट द क्वालिटी इज नॉट रियली गुड एज पर द प्राइस। ठीक है, 149 rupees ये मुझे कॉस्ट गया है। मैं अभी इस चीज़ को लेकर यूज टू नहीं हूँ और ना ही मेरी मेड्स अभी यूज टू होंगी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा सस्ता वाला ऑर्डर किया, सो दैट अगर इसको यूज़ कर लेते अच्छे से तो मैं अच्छा वाला भी ऑर्डर कर दूंगी। सो नेक्स्ट मैंने वहां से जो परचेज किया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे बहुत टाइम से लेना था, जो किचन को एक बहुत अच्छा लुक देता है, दैट इज दिस मम्मी का ढाबा 24/7 ओपन। ये है मम्मी दा ढाबा, सॉरी मम्मी का ढाबा नहीं, मम्मी का दा ढाबा। तो इस तरह से ये हैंग करने के लिए, तो मेरे को थोड़ा सा राउंड वाला चाहिए था, राउंड वाला भी था, बट मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। मैं सोच इसको कहाँ लगाऊंगी अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ये काफी क्यूट लग रहा था मुझे, मम्मी दा ढाबा 24/7 ओपन, और काफी अच्छा क्वालिटी इज ओके ओके। तो दिस cost me 4 rupees 299 rupees और and this is my second purchase। तो बहुत ज्यादा सामान नहीं, फिर भी मैं जितना है मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो नेक्स्ट जो मैंने वहां से परचेज किया है वो है ये स्पून एंड फोक स्टैंड है। तो ये काफी अच्छा लग रहा था इस मुझे, तो इसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं है ज्यादा स्पून वगैरह नहीं, बट हाँ इंडिविजुअली आप इसको ऐसे कर सकते हो, स्पून कर सकते हो, फोक्स कर सकते हो, देन इसमें नाइफ कर सकते हो। और इसके साथ मुझे एक ये क्लीनर मिला है, अगर आपके हाथ अंदर नहीं जा रहे, आपको कुछ नहीं आ रहा, तो इसको इस तरह से आप इसको ऐसे ऐसे करके क्लीन कर सकते हो। मुझे काफी अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट है किचन के लिए, किचन के लुक के लिए अच्छा है। तो ऑब्वियसली मैं किचन को थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ, तो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढूंगी जो मेरे किचन को थोड़ा सा डेकोरेट कर दे। सो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। दिस कॉस्ट मी 4 rupees 575 rupees में मुझे मिल गया, और डिस्काउंट चल रहा है, इसका MRP कुछ ज्यादा है, इसका MRP जो है वो 999 rupees है, बट आफ्टर डिस्काउंट ही मुझे 575 rupees में मिला। नेक्स्ट जो मैंने वहां से परचेज किया है वो है एक फ्रिज एंड माइक्रोवेव कवर। सो मैंने सेम माइक्रोवेव एंड फ्रिज कवर ऑर्डर किया है। सो मेरा माइक्रोवेव और फ्रिज दोनों पास पास में पड़ा है, तो मैंने सेम ही डिजाइन में ऑर्डर किया है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ डिज़ाइन और सब कुछ ओवरऑल सब सेम है। एंड ये है मेरा फ्रिज कवर, काफ़ी अच्छा फ्रिज कवर, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कॉटन है, केसमेंट कॉटन जो होती है वो है, इसके साइड्स में पॉकेट्स भी बने हुए हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी पॉकेट्स में कुछ मत डाला कीजिए, क्योंकि जब वो पॉकेट्स के अंदर डालें तो ऐसे लटकता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। सो प्लीज़ मैं अगर जितना हो सके पॉसिबल है जो फ्रिज कवर है उनकी पॉकेट्स में कुछ भी आप मत डालें, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ माई फ्रिज कवर एंड द सेकेंड वन इज़ माई माइक्रोवेव कवर। तो मैंने सोचा कि दोनों अच्छे लगेंगे, एक जैसे ही अच्छे लगेंगे, अलग अलग क्या करना। सो ये काफ़ी अच्छा लगा, और येलो कलर थोड़ा सा वाइब्रेंट लगता है, तो इसलिए मैंने ये येलो कलर ऑर्डर किया है, फ्रिज एंड माइक्रोवेव कवर, जो कि काफ़ी अच्छे है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और कॉटन है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिंथेटिक का कॉटन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो किचन की ओवरऑल लुक को चेंज कर देता है, दैट इज अ स्ट्रिप लाइट। तो मैंने इस तरह से ये स्ट्रिप लाइट ऑर्डर किया है ये, एंड दिस इज आई थिंक 3 meter और 3.5 meter,
यस दिस इज 3 मीटर और काफी अच्छी LED लाइट है, मैं इसका दिखा दूंगी, वीडियो लगा दूंगी इसको ऑन करके। द ओनली थिंग इज कि इसके साथ आपको अलग से एक ग्लू स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, मतलब जो एक टेप आती है डबल साइडेड पतली वाली, उसको चिपकाने के लिए, बिकॉज इसके साथ कोई ग्लू नहीं स्टिक हुई हुई, तो वो मुझे ऑर्डर करनी हुई, अभी तक की नहीं हुआ, देखो इतना टाइम हो गया। तो नीचे जो स्ट्रिप लाइट होती है बहुत ही प्यारी लगती है। सो यस, ये थी मेरी किचन की लाइट जो कि काफी ज्यादा चेंज लेके आने वाली है। तो आगे और भी काफी सारा सामान है जो आपको दिखाना है मुझे। सो नेक्स्ट मैंने वहां से ऑर्डर किए हैं कुछ, दिखाती हूँ आपको, ओह आवाज़ से समझ गया होंगे। सो मैंने वहाँ से, मैंने आपको बोला ना, मैं येलो कलर के कुछ मैंने कंट्रास्ट किया है, कुछ येलो कलर चीज़ें रखी हैं, बट एग्जैक्ट येलो नहीं मिलता। आप कहीं से क्या मंगवा रहे हो, कहीं से क्या मंगवा रहे हो, तो वो ऐसा कलर नहीं मिलता है, और प्रोडक्ट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। सो मैंने वहाँ से ये 2 बर्नी ऑर्डर किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, अमेजोन से ही मैंने ऑर्डर किया, बट ये ना मुझे देखने में काफ़ी बड़ी लग रही थी, बट ये आधा किलो के आई थिंक 500 ग्राम्स की ही है, आधा किलो, बट इसमें आप अचार रख सकते हो, इसमें आप अचार रख सकते हो, गुड़ रख सकते हो, और जैगरी पाउडर रख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। चीनी मिट्टी के बर्तन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो सेरामिक्स होते हैं, और ये काफ़ी क्यूट लग रहे थे, मैंने ऑर्डर कर दिया और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे थे, और ऐसे में रियल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके आप अंदर अब अचार वगैरह मैं रखने वाली हूँ, बट इतना साफ सुथरा वाइट, और इसके अंदर अचार डाल के मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहती। लेट्स सी इसके अंदर हम क्या रखते हैं क्या नहीं, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, बट आगे मैंने दोनों ऑर्डर किए थे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मुझे इस टाइप के जार्स वगैरह लेने थे जो डिस्प्ले में अच्छे लगे। सो ये जो सेट है ये मुझे कॉस्ट किया 447 रुपीज़ में, 447 रुपीज़ में दोनों मुझे मिले, ये सेट ऑफ 2 था। इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, लाइट ब्लू कलर मिल जाएगा, प्रिंट फ्लोरल प्रिंट वाला मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, येलो कलर के और पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो अगर आप, मैं लिंक्स नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। सो नेक्स्ट जो मैंने वहां से परचेज किया वो है किचन काउंटर स्टैंड, और बहुत सारे लोगों के पास है, बट तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो साइड में, ये वाला किचन काउंटर स्टैंड, उसको निकाले में बहुत प्रॉब्लम, बहुत बड़े कार्टन है, उसको मैंने ओपन भी नहीं किया, बस देखा भी नहीं। तो मैंने किचन स्टैंड, इस तरह से किचन काउंटर रैक जो ऑर्डर किया था, तो इसमें वाइट कलर भी था, ब्लैक भी था, बट गाइज वाइट और ब्लैक बहुत कॉमन हो चुका है, मोस्टली सबके पास वाइट है, ब्लैक है, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर ये ऑर्डर किया है, लाइक पिस्ता कलर जिसको बोलते हैं, मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जो मेरे किचन में स्टैंड रखा हुआ है वाइट कलर में है, तो मैं वाइट को ऑब्वियसली नहीं लेना चाहूँगी, एंड ब्लैक इसलिए नहीं क्योंकि जो मेरा किचन काउंटर टॉप है जिसके ऊपर मार्बल लगा हुआ ब्लैक कलर का लगा हुआ है, तो ब्लैक तो अच्छा लगेगा ही नहीं। सो फाइनली आई डिसाइड कि मैं ये पिस्ता कलर लूँगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसको देखो मैं अभी पैकिंग खोल रही हूँ, इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया, और इसको 10 डेज से ज़्यादा हो गए आए हुए, तो इसकी बाकी की पैकिंग मैं बाद में खोलूँगी, मैं आपको दिखा दूँ। सो दिस इज़ द स्टैंड जो मैंने दिस इज़ द रैक जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था पिस्ता कलर में, और ये लोहे का होता है, तो ये काफ़ी स्टेबल होता है, स्टडी होता है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कितना भी वेट इसके ऊपर रख सकते हो, ऑब्वियसली आप 15-20 किलो तो नहीं रखने, बट ओवरऑल इसके अच्छा खासा वेट रख सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, स्पेशली जब आप चीनी के डब्बे रखने होते हैं, अचार के, और भी छोटी निक नेक चीज़ें डेकोर के लिए, तो मैं अभी इसके साथ मुझे कंट्रास्ट चीज़ें लेनी होंगी, लाइक जो भी इसके ऊपर मैं जार्स रखूँ वो कंट्रास्ट करें, क्योंकि वाइट और ब्लैक के साथ आप कोई भी कलर लगा सकते हो, बट जो पिस्ता कलर है इसके साथ मुझे पर्टिकुलर कुछ चूजी कलर्स लेने होंगे जो इसके ऊपर अच्छे लगे, ऑब्वियसली वाइट अच्छा लगेगा, बट मैं ये पेस्टल कलर है इसके ऊपर वाइट लगा के इसको और डल नहीं करना चाहती, मैं इसके ऊपर कुछ वाइब्रेंट कलर्स लगाऊंगी जो ओवरऑल किचन में भी अच्छे लगे। और ये जो मुझे कॉस्ट किया आई थिंक 675 रुपीज़ में ये मुझे कॉस्ट किया है। इसमें और भी बहुत सारे आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग हैं, आप चेकआउट कर सके। इसमें 3 टायर वाला भी, जैसे मैंने 2 शेल्स लगाया ऐसे 3 वाला भी आता है, बट मेरा 3 नहीं आया क्योंकि जो मेरी किचन कैबिनेट्स हैं वो काफ़ी नीचे हैं, तो मैं 3 टायर वाला नहीं यूज़, मतलब 3 शेल्स वाला नहीं यूज़ कर सकती। सो यस, और नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है, सो मैंने इस शेल्फ के ऊपर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रखनी होंगी थोड़ी वाइब्रेंट लगे, थोड़ी अच्छी लगे, बहुत ज़्यादा मुझे डार्क भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी पसंद नहीं है, बट ओवरऑल इसके ऊपर अच्छा लगे। सो मैंने वहाँ से परचेज किया है, अमेजोन से परचेज किया ये चुंबक का ये जार है, ये और ये सेरामिक जार है और एयर टाइट जार है, इसके अंदर आप चीनी, गुड़, शुगर,
शुगर चीनी एक हो गया, सॉरी जैगरी पाउडर, इस तरह की चीजें काफी रख सकते हो। ये ब्रेकेबल होते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, डेलिकेट होते हैं। ये दो कलर्स मैंने ऑर्डर किए हैं अमेजोन से, दोनों चुंबक के, दोनों के सेरोमिक जार्स हैं, दोनों इसके ऊपर बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। और ये मुझे कॉस्ट किया 675 रुपीज ईच, थोड़े से एक्सपेंसिव है गाइज, इसलिए मैं थोड़ा सा लेने में थोड़ा सा हिचका, 675 यानी 700 ऑलमोस्ट हो गए, 5 रुपीज कम, तो 700 में मुझे मिल गए 1400 समथिंग का ये मुझे कॉस्ट किया है। सो ये अच्छा लगा है, इस पर डिस्काउंट नहीं था, एमआरपी पे ही मुझे मिले हैं, बट ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और पुराने मैं सब वो चीनी वाले, सब चाय पत्ती वाले जार से बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट इस बार करूँगी ताकि किचन मेरा अच्छा लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप किचन में होते हो, किचन में जब आप काम कर रहे हो तो बोर नहीं होना चाहिए। मैं तो मोस्टली अपना फ़ोन रख के कुछ ना कुछ वीडियोज़ देख लेती हूँ या खुद की वीडियोज़ देख लेती हूँ, बट या किचन एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है, अच्छा मतलब टाइम स्पेंड करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपको वहाँ पे जब टाइम स्पेंड करना है तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेकोरेट करके रखेंगे तो एक फ्रेश लुक आती है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना चाहिए ताकि अच्छा आपको एक फ्रेश रिफ्रेशनेस मिलती रहे किचन के अंदर। तो यस गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मैं अमेजोन से परचेज किए हैं, इन सब की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक्स के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जो अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स एंड वीडियोस के साथ चलते हैं, बाय, ठीक है।